गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने डाले थे शादी के व्लॉग, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं डेली रूटीन वाले व्लॉग। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और मैं और दीदू जा रहे हैं घास काटने। फिर मौसम देखो बहुत ही खराब हो गया, अभी मैं एक बार आपको मौसम दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने डाले थे शादी के व्लॉग, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं डेली रूटीन वाले व्लॉग। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और मैं और गित्तू जा रहे हैं घास काटने। मौसम देखो बहुत ही ख़राब हो गया है, अभी मैं एक बार आपको मौसम दिखा देती हूँ। तो बहुत ही धुंध जैसे छाई हुई है और ये देखो ये है मक्की के खेत। बहुत ही तोते पड़ गए हैं और हमारी मक्की भी खाली है। देखो पहुंच गए हैं हम खेत में, तो फटाफट निकाल लेते हैं घास। हाय हुए बोले देखो कुदी लोग बोले सुस्ता पे ही हो नहीं चल रही है सारी, बस गल्ला भी कर देंगे ना यहाँ पे। इस घास हमने निकाल दिया है और बारे भी बना दिए हैं, अब जा रहे हैं हम घर। पहुंच गए हम घर में और अब देखो ये है हमारे अखरोट जो अभी गिले हैं। इस बार ना थोड़े से काले जैसे हो गए हैं देखो, क्योंकि इसके छिलके ही नहीं उतर रहे थे और अभी इनको रख दिया है धूप लगने के लिए, क्योंकि ये गिले हैं इसलिए सूखने के लिए रख दिया है। आज आलू कढ़ी और चावल, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं कुकर पे और अब काटूंगी आलू जो मैंने साफ कर दिए हैं। आलू काटने के बाद लगाऊंगी तड़का। तो आज बना रहे हैं हम आलू कढ़ी। के लिए मैंने सब कुछ कर दिया तैयार, टमाटर भी काट दिया, लहसुन प्याज और आलू भी काट दिए हैं और अब डालूंगी तेल क्योंकि मैं ना कुकर में ही बना रही हूँ क्योंकि हमें चाहिए लंच, थोड़ा जल्दी भूख लगी है तो कुकर में आलू जल्दी पक जाएंगे। मैंने सोचा कुकर में ही तड़का डाल देती हूँ।
हैं और मैंने इसमें थोड़ी सी लस्सी डाल दी है क्योंकि दही सुबह ही लगाई थी मैंने तो दही नहीं बची थी। तो अभी इसको थोड़ी देर चढ़ा के रखते हैं। नक्शू नक्शू बैठ बेटा नीचे। लंच करने के बाद कर लिए मैं थोड़ी देर रेस्ट और अब जा रही हूँ फिर से खेत क्योंकि थोड़े से अखरोट रह गए हैं निकालने। अब आ गए हैं हम घर की तरफ। थोड़े से अखरोट थे ज्यादा नहीं। जब हो गया है हमारा टी टाइम तो हम बना रहे हैं चाय। चाय के साथ बनाएंगे थोड़ा थोड़ा सीरा सबको खाने के लिए। तो फिर आज शाम को हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल भिंडी की सब्जी। भिंडी के साथ बनाएंगे हम आलू। नई डिश है फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो आप देखते रहिए। कोई बात नहीं। और चाय बनके हो गई है तैयार और यहाँ पे भिंडी भी कट गई है। रेसिपी आपको बाद में बताऊंगी। तो पानी हो गया है और अब हो रही हमारी डिनर की तैयारियाँ। तो मैंने बताया था कि डिनर में हम बना रहे हैं आलू और भिंडी की सब्जी। तो नई रेसिपी है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। तो खाने को तो पता नहीं कैसी बनेगी, बताती हूँ कि कैसे कैसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने भिंडी को काट लिया है। भिंडी को इस तरह से काटना है, लंबा लंबा रखना है। और आप इसमें देखने के लिए मतलब इसके अंदर कीड़े वगैरह ना हो तो ऐसे साइड से कट लगा सकते हैं बीच से हल्का सा देखने के लिए। और बिल्कुल साफ है। और अब कर दिया है मैंने तेल गरम क्योंकि पहले भिंडी को फ्राई करूँगी फिर आलू को ऐसे बड़े बड़े काटूँगी। अभी आलू मैंने कट नहीं किया, पहले भिंडी को फ्राई कर लूँगी फिर उसके बाद आलू को कट करूँगी। को धीमी आँच में थोड़ा सा फ्राई करना है। आलू को काट दिया है, ऐसे लंबे लंबे कर रखने हैं। और प्याज भी मैंने काट दिया क्योंकि प्याज को भी फ्राई करूँगी हल्का सा। तो उससे पहले भिंडी तो फ्राई हो गई है और अब करेंगे आलू को फ्राई। आलू फ्राइड हो चुके।
फिर अभी पहले डालूंगी आलू, क्योंकि आलू को थोड़ा सा पका लेने हैं 5 मिनट। अभी ऐड करेंगे इसमें हम भिंडी जो फ्राई की हुई है और प्याज, फिर से थोड़ी देर इनको हम पकाएंगे। अभी हमारा डिनर हो गया है और सब्जी तो बहुत ही स्वाद बनी थी, शायद आप लोगों ने बनाई भी होगी पर मैंने तो पहली बार बनाई थी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय, बाय बाय बोलो, बाय बाय, गुड नाइट।